नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सारा न्यूज में आपके साथ नेहा आई। बढ़ते खबरों की शुरुआत। वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र सिंह मोगलपुर के साथ जिलाध्यक्ष विजय पटेल व भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जित्तू सरखड़ी ने सहकारिता समितियों का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्हें सहकारिता समिति में अपना अनाज लेकर तुलाई के लिए आए किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी एवं गमछे किसानों को वितरित किए। कुछ किसानों ने बताया कि हमारा SMS साईखेड़ा सोसाइटी का है एवं कुछ किसानों ने बताया कि हम JC नगर सोसाइटी के किसान हैं एवं हमारा SMS साईखेड़ा सोसाइटी का है, तो इस SMS को JC नगर का कराया जाए। तो राजेंद्र सिंह मोकलपुर ने तुरंत सागर सहकारिता विभाग के अधिकारी से बात कर SMS जेती नगर सोसाइटी में करने की बात कही एवं जिन किसानों को बारदान की समस्या हो रही थी तत्काल दूरभाष से फूड इंस्पेक्टर से संपर्क किया एवं किसानों की समस्या बताई तो बारदान जल्द से जल्द व्यवस्था करवाने की बात फूड इंस्पेक्टर द्वारा कही गई। जो केंद्र बंद है उन्हें भी चालू करवाने का किसानों को आश्वासन दिया एवं सभी किसानों से कहा कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और मीडिया द्वारा समाज सेवी हरनाम सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने किसानों से अपील की है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें एवं जो तुलाई केंद्र बंद है उन्हें तत्काल चालू कराया जाए एवं जो किसान गमछा नहीं लाए थे उनको राजेंद्र सिंह मोगलपुर एवं जिला अध्यक्ष विजय पटेल द्वारा गमछे वितरित कर सोशल डिस्टेंस का पालन करने की बात कही गई। इस अवसर पर हरनाम सिंह, पप्पू तिवारी, पीयूष मिश्रा, दादू पांडे, विष्णु नीमा, राघवेंद्र सिंह, प्रदीप दीक्षित, राम बाबू सिंह, डॉक्टर हेमंत सिंह, प्रवीन्द्र सिंह, सागुनी पुरीना, पंकज सिंह ठाकुर, धीरज सिंह ओरिया, सोनू सिंह बिछुआ, महेश तिवारी, नीलेश पाठक, जितेंद्र जीतू जोशी, छतर सिंह, सुरेंद्र सिंह, शंभुदयाल पटेल सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। बाइट राजेंद्र सिंह मोकलपुर। किसान मोर्चा का कार्यक्रम रखा गया था, ये किस संबंध में रखा गया? आज जो कार्यक्रम कोरोना के संबंध में किसान मोर्चा की अध्यक्षता में भाई विजय पटेल जी की अध्यक्षता में रखा गया था, किसान भाइयों की समस्याओं के संबंध में जानकारी ली जाए। दूसरा, जो किसान भाई मास्क का उपयोग नहीं करते तो उनको किसान मोर्चा द्वारा तौलिया और आयुर्वेदिक दवाई बांटी गई कि उनकी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा रहे, किसान भाई इससे प्रभावित न हो, क्योंकि भारत का अन्नदाता अगर बीमार होगा तो देश बीमार हो जाएगा। आज जो किसानों की कोई समस्या जो आपने सुनी हो और ऊपर बात रखी हो, अभी जैसे हम लोग किसान भाइयों से बात कर रहे थे तो कुछ विसंगतियाँ पाएंगे कि यहाँ के जो जैसी नगर से संबंधित सोसाइटी से लगे हुए गांव का साईखेड़ा सोसाइटी में नाम आ रहा है और साईखेड़ा सोसाइटी के नाम यहाँ जुड़े हुए हैं और हड़ा समिति में बारदाने की कमी थी, उस संबंध में खुद ऑफिसर महोदय को अवगत कराया गया, उनके द्वारा तत्काल कार्रवाई करने की बात कही गई।